कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने हमको ये लगा कि जो चीज़ें हम बॉम्बे में करके जो कर मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ों को हम अपने यूपी को भी बेस दे सके और बॉलीवुड का एक हिस्सा जो है यूपी में भी बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुंबई से ही रिलेटेड है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक बेस अपना जो है वो यूपी को बनाना चाहते हैं। सर, एक भोजपुरी डायरेक्टर, क्या इनको आप इनके टैलेंट को देखे या इनके टैलेंट को ही देख के मैंने इनको अपने साथ लिया है, क्योंकि टैलेंट ही देखा जाता है। टैलेंट को देखते हुए हमने इनको जो है अपनी आपके फिल्म में। सर, कास्ट की बात करें तो कौन सा कास्ट रहेंगे स्टार कास्ट? तो अभी हम आपको इस चीज़ के बारे में तो अभी खुलासा नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि नेक्स्ट टाइम में हम आपको जरूर याद करेंगे और अपनी कास्टिंग के बारे में आपको जरूर रूबरू करेंगे कि हमारे साथ में कौन कौन है और कौन कौन हमारे साथ काम कर रहे हैं। बात करते कहानी किस तरह की रहेगी? कहानी एक्चुअली क्या है कि आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी फिल्मों का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, बट हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिल तक पहुंचे, एक मैसेज हो, एक पैगाम हो जो लोगों के दिल तक जाए, जिससे हमें एक नसीहत मिले, हमको एक चीज़ हासिल हो कि हमको एक दर्स मिला कि हमको हाँ ये चीज़ देखने के बाद हमको ये एहसास हुआ। इंसान खाना खाता है तो पेट भरने के लिए खाता है, तो कोई चीज़ भी हो एक जायका होता है तो उसको हमको एक जायका मिला कि हमने मिर्ची खाई तो हमको लगा कि हमने मिर्ची खाई, तो ये एक मैसेज है। तो उस मैसेज जो भी है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बाद में जो भी खुलासा करना हो वो बाद में खुलासा करेंगे। जी सर, आप बताएं। भोजपुरी के बाद में जो हॉलीवुड के जो एंट्री कर रहे हैं राजू भाई, तो उनका टैलेंट देखते हुए कि भाई हिंदी फिल्मों में बदलाव होना चाहिए, ऐसा नया कंसेप्ट लेके चाहिए कि जो समाज के अंदर जो बदलाव होना चाहिए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह। आप देखते हो कि अभी अपने माहौल में बहुत सारी समस्याएं इस देश में भी खड़ी है, तो इस माहौल इस समस्याओं को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचाया जाए तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। इसी चीज़ को रखते हुए अब्बास भाई के दिल से जो है कि भाई कुछ तक अपन दे सके इस इंडस्ट्री के नाते, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुभकामना रहेंगे इसके साथ। सर, आपके तरफ के राजू बाबा भी हैं, आप लोग भी उधर के हैं, तो क्या पिक्चर शूट उसी एरिया में होगी या कुछ सब्सिडी का भी चक्कर आप लोग का है? नहीं, सब्सिडी से रिलेटेड क्या है कि सब्सिडी हमारे लिए फैसिलिटी है, सब्सिडी हमारे लिए फैसिलिटी है, फैसिलिटीज भी ना दी जाती कि क्योंकि अगर हम सब्सिडी लेके करते तो हमको 75% छूट हमको अपने यूपी बेस बना के करना है। तो आज एक्ट्रेस की ये पोजीशन हो गई कि किसी के पास पैसे नहीं है, जो बम्बई नहीं आ सकते हैं उनके लिए हमने एक जरिया बनाया है, जो यूपी में शूट करना चाहते हैं, जिनके पास इनकी अपनी सिचुएशन नहीं है कि वो बॉम्बे आ सकें, उनके लिए हमने ये चीज़ सोची कि वो यहाँ से बैठ के और बॉलीवुड में एंट्री करें और वो काम कर सकें। आपकी फिल्म शूट कहाँ पर होगी? शूट हमारा मैं मुंबई भी कर सकता हूँ और यूपी भी कर सकता हूँ, तो क्या हो सकता है दोनों जगह में कर सकता हूँ। लोकल यूपी के लोकल आर्टिस्ट दिख सकते हैं वहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल दिखेंगे। सर, आप बताएं क्या करना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ राजू बाबा को लेकर के? राजू बाबा और हमारे अब्बास भाई साहब हमारे लिए एक आदर्श है और इन लोगों के साथ हमको बहुत एक काम करके बहुत एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा और खासकर हमारे बड़े भाई अब्बास भाई है और इनसे मिलकर हमको ऐसा लगा कि हमको भी समाज के लिए और अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए और कुछ ऐसा सामाजिक वर्क करना चाहिए कि जिससे समाज का भी भला हो और लोगों का भी भला हो। इन्हीं सब बातों को सोच के हमने इस लाइन पे कदम रखा है और हमेशा साथ चलने की कामना करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान? देखें, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि अब्बास भाई जान से मेरे बहुत ही अजीब मजीद दोस्त भी हैं और छोटे भाई भी हैं और बीच में बैठे हुए हमारे बहुत ही करीब मित्र भी हैं, आप विजय भाई साहब हैं और मिस बख्शी साहिब भाई हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शायद है कि वो लाइन बहुत अच्छा लगता है, कभी लेटेस्ट डायरेक्टर राजू बाबा ने जो फिल्म शूट करके और स्क्रीन पर ला के रखा है बलम जी झूठ ना बोली का जो इतिहास रहा है, जो एक्चुअल समाज के लिए एक दर्पण रहा है, उसको देख के लगा कि जो चीज़ आज अब्बास भाईजान ने उनको उठा करके गर्दिश के फलसफे से उठा करके जो इस आसमां की तरफ ले जा रहे हैं उसमें नो डाउट वो उतनी काबिलियत रखते हैं। कारण कि जो इनकी अभी लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म रही बलम जी झूठ ना बोली, ये टोटल
शराब बंदी के ऊपर निर्धारित थी, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज की फिल्म थी, क्षेत्रीय भाषा पर बनी हुई ये फिल्म थी। तो इसका जो अर्थ हमारे भाईजान ने समझा वो यही समझा कि जो चीज़ अगर क्षेत्रीय परिभाषाओं में परिभाषित की जा सकती है तो क्यों इसको बृहद पर्दे पर उतारा जाए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के समाज को एक नया दर्पण, एक व्यक्ति नहीं एक सोच देता है। तो राजू बाबा में बेशक वो चीज़ है जिनको कि हम हीरा नहीं हमको हिनूर कहें तो कम है, कारण की काबिलियत उस व्यक्ति में बे इंतहा झलकती है, उसके लिए नो डाउट। अब्बास भाईजान का निर्णय बेशक है कि मैं कह सकता हूँ कि बेहद ही बेहतरीन रहा। आप एक महिला हैं, महिलाओं के सोच के अनुसार आज के दिन में सरकार भी चल रही है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या मैसेज होना चाहिए जो कि महिलाओं के हित में हो? महिलाओं के हित में यही होना चाहिए कि महिलाएं जो हैं जब तक खुद नहीं कुछ करेंगी तो दूसरा तो उनकी हेल्प कोई करेगा ही नहीं, तो सभी लोग को मिलकर साथ में आना पड़ेगा। कुछ हम लोग सर्वे भी किए महिलाओं के ऊपर, कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार करने की इच्छा है लेकिन कुछ समाज की वजह से वो नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए क्या आप लोग कुछ अलग से कुछ प्लान कर सकते हैं? एक्चुअली हमारा जो टाइटल है वो इस समाज को जो दिखाना है, हम समाज को यही दिखाना चाहते हैं कि जो आज हमारे दरमियान में जो महिलाओं के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ जाती है महिलाओं के लिए कि हमारी महिलाएँ कुछ चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, उन्हीं चीज़ों को उजागर करने के लिए हमने ये ब्योरा उठाया और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। क्योंकि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं किसानों से रिलेटेड, आप ये देखिए उनकी ज़िंदगी क्या होती है, हमने आज तक करीब में जाकर उनको नहीं देखा कि उनकी ज़िंदगी क्या है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ क्या है। जो एक किसान है, एक नॉर्मल किसान है, वो हमको इंडिया गेट बासमती चावल दे रहा है, सारी चीज़ें हमको वो दे रहा है, लेकिन कभी उसने उसका जायका नहीं लिया, उसने उसका टेस्ट नहीं लिया, सारा टेस्ट तो हम ही लेते हैं बैठ के, हमारी जैसे सोच वाले लोग लेते हैं, तो उन लोगों ने कभी इन चीज़ों को नहीं फील किया। ये हमको दर्शाने का मतलब क्या है कि उनकी माली ज़िंदगी क्या है, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं और ये मैसेज लेके समाज को दिखाना चाहते हैं।